पुराने चेहरे फिर एक बार दिखाने का टाइम है आज। इट्स ऑलमोस्ट 9, 10 months, 11 months, हाँ एक साल, हाँ राइट, एक साल के बाद आज। अच्छा, ये एक नया चेहरा है नवाज भाई, पहली बार काउंटिंग किलोमीटर्स पे। और एक नया चेहरा है अपने पास, पिछले एक साल में ये डेवलपमेंट, ये गाड़ी है अपने पास अभी। बट ये सारी चीज़ें बाद में, क्योंकि आज एक नई जगह पे है और वो जगह इतनी नई है ना कि वहाँ पे मैं खुद खड़ा हूँ, ये मेरे लिए भी शौक है। सो वेल, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स वंस अगेन एंड होपफुली काउंटिंग किलोमीटर्स विल बी बैक ऑन रोल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, बिकॉज राइट नाउ हम लोग खड़े हैं सोलापुर में। सोलापुर में क्यों आए और अभी क्या करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आगे पता चलेंगी आपको। बट आई थिंक सोलापुर में तो तू आते रहते हैं, उनको पता है नलदुर्ग के लिए आते रहते हैं। हाँ नहीं, लेकिन इस बार नलदुर्ग के लिए नहीं आया हूँ ना, चले गए। अच्छा, एक साल कहाँ पे थे इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, राइट, है ना। एक साल क्यों गायब हो गए थे वो भी बताऊँगा मैं, बट आफ्टर सम टाइम। सो राइट नाउ ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह लोगों को पता चल चुका है कि नवाज भाई एक नई गाड़ी ले रहे हैं। सो उस गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। एंड कौन सी बाइक है नवाज भाई? हमने आ रही हिमालयन। अबे मीटियर का टेस्ट राइड लिया, हिमालयन ले रहे हैं, हो सकता है माइंड चेंज करें। टेस्ट राइड लिया मीटियर 350 का, अभी बोल रहे हिमालयन लेंगे, ऐसा कैसे? मीटियर ही पसंद आई है, सऊदी का शेख है भाई, कुछ भी कह सकता है, वरना अभी भी। अच्छा, एनीवेज पसंद आई। सो वन थिंग फॉर श्योर, अभी हम लोग खड़े हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम के बाहर। तो दिस इज सोलापुर रॉयल एनफील्ड मोंडे मोटर्स, जिसके ओनर मिस्टर पवन मोंडे हमारे दोस्त है, फेलो राइडर है, और ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप, ऑल इंडिया सपोर्ट ग्रुप है राइडर्स का, उसमें भी है वो। सो अभी पहले चलेंगे शोरूम के अंदर, पवन जी से मिलेंगे, बात करेंगे। एंड दैट्स द बाइक नवाज भाई हैज टेस्टेड। कलर कौन सा पसंद आया? ब्लू, वही ना, सेम सेम। नीलेश सर आपका क्या चॉइस है? मुझे तो ब्लू ऑलवेज, सेम सेम। तो बोलो क्या करना है, वही बाइक लेना है? वही, तो बाइक के पास, बाइक के पास चलेंगे या बाद में चलेंगे? नहीं, पहले अंदर जाते हैं, सर से बात करते हैं ना, लेट्स गो इन। हेलो, रॉयल एनफील्ड मोंडे मोटर्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव है ये, और पिछले ऑलमोस्ट हफ्ते भर से हमारी इनसे बात हो रही थी और सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ख़त्म हो चुकी है एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट द बाइक नाउ। लेकिन उससे पहले पवन जी से मिलेंगे। हेलो सर, हाय, कसो पटवलं पहिले सांगा तुम्ही नवाजला? म्हणजे अवेंजरचा हार्डकोर फॅन आणि मीटियर घ्यायला तयार कसा होता? कसं रॉयल एनफील्ड एकदा चालवले की माणूस तिच्या प्रेमात पडतोच पडतो, आणि म्हणून आम्ही सर्वात आधी त्यांना टेस्ट राईड दिली। टेस्ट राईड दिली, त्यामुळे टेस्ट राईड दिल्यानंतर ना त्यांना डिफरन्शिएट करता आलं की दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे, आणि ज्यावेळेस त्यांनी ती चालवली नक्कीच माणूस प्रेमात पडला, आता ती घेऊन जातातच ते गाडी। हां नाही, ॲक्च्युली टेस्ट राईड घेतल्यानंतर बाईकच्या प्रेमात पडणं ही गोष्ट मला पण कळली टेस्ट राईड घेतल्यावर। सो हियर वी आर, अभी ये लोग सरप्राइज रिवील कर रहे थे को पीछे, कुंदन सुड़े कर रहे, कुंदन सुड़े कुछ नहीं कर रहे, कुंदन सुड़े से ब्लॉग बना रहे। एनीवेज, सो अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो एंड टेक द डिलीवरी, है ना, ऑफ द ब्लू बाइक। बाइक ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी है रेडी फॉर डिलीवरी, ये वाली नहीं, बाहर कैन सी। तो चलते अभी बाहर, लेट्स गो सर। All right, we are all set. नवाज भाई चेहरे पे चमक तो देखो, एक्साइटेड। अच्छा, पेड़े पण आलेले आहेत आपल्याकडे, सही है। क्या करना है, खोलना है? बिल्कुल, आ गया मुहूर्त, आ गया। हाँ हाँ, तो सरप्राइज रिवील कर दे, राम जी भी आ गए। हाँ यार, जय श्री राम, एक नंबर, सही बनवलंय तो पोस्टर बरोबर, जबरदस्त। तो नवाज भाई फाइनली सरप्राइज रिवील करना है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके, सो हियर्स द सरप्राइज।
नवाज भाई की जगह पे मैं आ गया हूँ और मीटियोर के जगह पे कौन आ गया है? कॉन्ग्रेचुलेशंस गणपति अप्पा और क्या। सो फाइनली वन मोर सरप्राइज इज हियर। थैंक यू सर, वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू बाइक, दैट्स रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। चलो गणपति बाप्पा मोरिया रेडी फॉर फर्स्ट राइड। चलो सर, थैंक यू। Here we go. Back on the bike. Wow, it's such a feeling. Yes, gloves, jacket, pant, riding boots. All done, all set. The time right now is 6:25. सोलापुर से निकलना है अभी, लेकिन थोड़ा पहले अपने को वापस शोरूम पे जाना है बिकॉज नंबर प्लेट अभी तक मिला नहीं है। सो अभी जाते जाते नंबर प्लेट कलेक्ट करके फिर आगे निकलना है। ऑलराइट, अपना क्रूज कंट्रोल लग गया है गाड़ी पे, कैमरा माउंट एक यहाँ पे लगा दिया है सो दैट शूट करना है तो कर सकते हैं, और एक माउंट यहाँ पे लगता है मिरर पे, वो भी शोरूम से लगवा लूँगा मैं। चलो ऑलराइट, सबसे पहले तो पेट्रोल भराना पड़ेगा, पेट्रोल भरने के बाद शोरूम पे जाएंगे। सो हमने इंडियन ऑयल का पंप है, वहीं पे अभी पेट्रोल डाल देते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम है क्या है? ऑब्वियसली ये हैबिट है मुझे पहले से ही, डोमिनार पे भी मोस्टली मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम डालता था, टीआरके में तो 100% एक्स्ट्रा प्रीमियम पावर या स्पीड पे ही चलती थी, तो इसको भी वही आदत रखेंगे, इट्स बेटर फॉर द हेल्थ ऑफ इंजन। पेट्रोल भरा लेता हूँ फिर देखते हैं कितना बैठता है। ऑलराइट, सो ये है अपनी नई बाइक का पहला फ्यूल लॉग। ओके, ऐड फिल अप। ओडोमीटर इज 7 किलोमीटर्स, क्वांटिटी आई 13.96 लीटर्स, प्राइस 3111.04, टोटल 1550 का पेट्रोल बैठा। सो यहाँ से अपना काउंट शुरू होता है, 350 किलोमीटर का राइड तो आज ही करना है, तो हाईवे पे कितना माइलेज देती है ये तो आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, मतलब डिलीवरी के व्लॉग में माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा, क्या बात है। चलो अभी चलते हैं शोरूम पे, नंबर प्लेट ले लेते हैं। मुझे पता था कि टाइम तो ज़रूर जाएगा, आई कुडंट शूट ओवर देयर क्योंकि मुंडे साहब फिर से मिल गए थे तो उनके साथ थोड़ा बातें कर रहा था, बट एवरीथिंग इज़ डन। अपना आगे पीछे के दोनों नंबर प्लेट्स जो हाई सिक्योरिटी प्लेट्स आते हैं आरटीओ की तरफ से वो लग गए हैं, एंड ये मिरर पे जो कैमरा माउंट बिठाना था वो भी वहीं से इंस्टॉल करा लिया मैंने। दिस इज़ नॉट न्यू एक्चुअली, अपनी रेडबुल पे थे माउंट्स जो निकाल के मैंने रखे हुए थे, बस वही लेके इस पे लगा दिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट राइड नंबर 1 ऑन दिस न्यू बीस्ट। वी आर राइडिंग फ्रॉम सोलापुर टू करजत, 360 किलोमीटर्स। रास्ते में तो कुछ नया नहीं है बट रास्ता काटने वाला साथी नया है, सो वही सफ़र नए अंदाज में।
थोड़ा पोएटिक हो गया बट ठीक है। अराउंड 10 मिनट लगे सिटी में से बाहर निकलने में और वी आर ऑन द पुणे सोलापुर हाईवे। पवन सर ने बोला है कि 80-90 तक चलाओ, उसके ऊपर मत जाओ। तो बेसिकली अराउंड 4000 RPM, 4000 के ऊपर नहीं भगाना है, अप टू 1000 किलोमीटर्स। ऑफकोर्स दैट इज़ द बेसिक फॉर एनी व्हीकल, ब्रेक इन पीरियड होता है। मज़ा आएगा, दो गाड़ियाँ पैरेलल चलेंगी, बाइक भी अपनी कार भी अपनी। 13-14 किलोमीटर बाइक चलाए, 13-14 किलोमीटर में दो चीज़ें एकदम प्रॉम्प्टली नोटिस की है मैंने। पहली चीज़ है ये बाइक बहुत ऊंची है, मतलब बाइक पे बैठने के बाद एंड आई बीइंग 6'2", मैं जिस हाइट पे पहुंच जाता हूँ ना, ऐसा लगता है मैं पूरी दुनिया के ऊपर बैठा हूँ। मतलब TRK से भी काफ़ी ज़्यादा हाइट लग रही है, मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठा हूँ। नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छा लगता है, एक प्रॉमिसिंग कमांडिंग स्टांस बन जाता है, बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा उससे। और सेकेंड थिंग जो देखो अभी भी हो रही है, 80 किलोमीटर्स पर आवर के नीचे अगर मैं 6th गियर में हूँ ना, तो गाड़ी नॉकिंग देती है। सो जो इतने सारे रिव्यूज़ में देखा था, जो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि लो एंड टॉर्क में ये गाड़ी थोड़ी कम है, सो दैट इज़ ट्रू। अभी अगर मैं 70-75 के भी स्पीड में आता हूँ तो मुझे 5th गियर में लाना पड़ेगा, 6th में नहीं चलेगी। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए आप गाड़ी को बुरा कहते हो, दिस इज़ समथिंग जिससे आप एडजस्ट होते हो, एडप्ट करते हो। हर गाड़ी के अपने तरीके होते हैं चलाने के, सो यू स्लोली गेट यूज टू दोज थिंग्स। 60 किलोमीटर्स आई हैव डन, मतलब शोरूम से निकलते वक्त कुछ 8 किलोमीटर था ना, 52 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप अभी आ गया हूँ। अभी आगे जो टोल प्लाजा आएगा, टोल प्लाजा क्रॉस करके रुकूँगा, दैट टोल प्लाजा इज़ एग्जैक्टली 67 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर। तो सिटी में पकड़ के तब 70 किलोमीटर के आसपास नॉन स्टॉप राइड करके रुकूँगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करूँगा, एकदम नए नए इंजन पे ज़्यादा लोड देना भी मुझे सही नहीं लग रहा है। पता नहीं, टेक्निकली शायद मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुक रुक के चलना चाहिए। तो अभी अगले टोल प्लाजा पे रुकेंगे। वैसे भी नीलेश्वर और नवाज़ शायद पीछे ट्रैफिक में थोड़ा स्लो हो गए थे, तो रुक के आने का रुकना ही पड़ेगा। ही मान सर, मैं इधर इनके लिए वेट कर रहा हूँ और ये पीछे एक होटल में रुके थे चाय पीने के लिए। मैं इधर रुका हूँ इनके लिए, क्या हुआ? अबे कुछ नया नाटक, पत्थर है किला है, एल्युमिनियम से रिवेट अस्तल। हाँ कार्ड अपने, नहीं नहीं अभी निकालो मत, जाएगा ऐसे ही। हाँ बाद में देखेंगे। ऑलमोस्ट मिडनाइट, 11:50, और अभी अभी डिनर करके निकले हम, और बाइक की फर्स्ट लॉन्ग राइड मेरे लिए पॉज हो गई है, बिकॉज पिछले हफ्ते भर से जो हालत ख़राब हुई है, फीलिंग एग्जॉस्टेड, बाइक चलाने को नहीं हो रहा था। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट और 200 किलोमीटर चलाना मुझे मुश्किल लग रहा था। सो अभी डिनर के बाद नवाज भाई बाइक पे निकले हैं आगे और मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ। लेट्स सी, अगर वो कंफर्टेबल है, उनको चलाने को आसान लग रहा है, तो फिर कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो सके, अदरवाइज फिर कहीं पे रुकना पड़ेगा, स्टे करके सुबह उठ के जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरी हालत ख़राब हो गई है। नवाज भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? परफेक्ट, सुपर, बहुत मजा आया। 100 किलोमीटर राइड किया मैंने। आई गया अभी नेक्स्ट वेकेशन में मीटियर लोगे या हिमालयन में? हाँ मीटियर या हिमालयन, मीटियर हिमालयन बेस्ट है, अच्छा लगा मुझे। बट
ऑनेस्ट ओपिनियन ड्यू टू माई हाइट इट्स नॉट फिजिबल फॉर मी. ओके दैट्स ऑल. रिव्ह्यू नव्हता हा. झोपेत न जागवून कोण रिव्ह्यू करतं का? बाय द वे इट्स 3 o'clock इन द मॉर्निंग. तीनच वाजले ना? किती वाजले? 2 बजके. अरे 2 बजके. ओके 2 बजके. वी आर एट सोमाटने, मतलब पुणे क्रॉस करके आ गए. अभी लास्ट 75-80 किलोमीटर्स. सो अभी मैं वापस बाइक पे जाऊंगा. अभी नवाज भाई थोड़ा आराम करेंगे. सिर्फ मिले सर है जिनको आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि कार चलाने वाला अकेला आदमी है. इतने टाइम से मैं सोया था अभी गाड़ी में, तो आई एम फ्रेश. दिख नहीं रहा हूँ लेकिन फ्रेश हूँ. तो अभी मैं बाइक चला लूँगा. चलो फिर से रेडी. अभी आराम करो नवाज भाई. स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग. चलो लेट्स गो. लास्ट राउंड 318 किलोमीटर डन. 37.7 किलोमीटर्स टू गो. खंडाला घाट बिगिंस. ये नीचे एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक लगा हुआ है तो सब लोग इधर से आ रहे हैं. बाय द वे ये और एक पॉइंट जिसके बारे में जो बहुत से रिव्यूज में मैंने सुना था, हेडलाइट इनफ नहीं है. तो इस बारे में मेरा मानना ये है कि वो बात सही है. जनरली मैं एग्री नहीं करता हूँ. स्टॉक जो भी लाइट्स होते हैं वही यूज़ करता हूँ. मतलब आज तक कभी मुझे ऐसा कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऐसे डार्क कंडीशन में अच्छे से रास्ता दिखा रहा है, बट जब सामने से गाड़ी आती है, सामने से लाइट आती है, तो ये लाइट गायब हो जाता है. एब्सोल्युटली गायब हो जाता है. पता ही नहीं चलता क्या है सामने. इन शॉर्ट इसके लिए मेरे को ऑक्सिलरी लाइट्स लेने पड़ेंगे. फाइनली हिमालयन 450 अराइव्स इन करजत. एग्जैक्ट 4 वाजले. बर है करजत थंड आहे. रामानी 29 degrees आहे. 354 kilometers एज ऑफ नाउ. सुबह के 4 बजे से फास्ट फॉरवर्ड टू 10:15 और समथिंग. या 10:16 पहुंचे घर पे. तभी इतना एग्जॉस्ट हो गए थे सब लोग कि बाकी शूट करना वगैरह पॉसिबल ही नहीं था. सो वी ऑल स्लेप्ट. और अभी 9:15 नीलेसर और नवाज निकल गए घर के लिए. और अब हम भी निकलेंगे अपने दूसरे घर. तो बाइक दिखानी है. सो आई एम नॉट फुल्ली गियर्ड अप नाउ, क्योंकि 5 किलोमीटर ये अपना होम 1 से होम 2 का डिस्टेंस. अगर आप पहले से हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है, बट फिर भी आपको नहीं पता है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट वी स्टिल हैवेंट टॉक्ड अबाउट. लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट 1 year. सो यस, बट दैट इज़ अ टॉपिक फॉर सम अदर डे. अभी फिलहाल थोड़ा सा माइल्ड ऑफ रोडिंग जिस चीज़ के लिए बनी है ये गाड़ी वो चीज़ करते हैं. Amazing. Almost there. By the way, अभी हम जहाँ जाने वाले हैं, this is our new home. ये आप में से किसी ने पहले देखा नहीं है किसी भी वीडियो में, लेकिन घर के बारे में बात अभी नहीं करेंगे. अभी फिलहाल
बाइक का दिन है आज। फ्रेश होने में ऑलमोस्ट आधा दिन गया मेरा, बिकॉज नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, बट स्टिल अभी वापस बाहर जाना है। किस लिए जाना है वो अभी नहीं बताने वाला हूँ मैं, बिकॉज इट विल बी द सब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो अभी फ़िलहाल घर पे यहाँ पे बाइक की पूजा करनी है। सो ऑल सेट, पूजा की तैयारी हो चुकी है राइट हियर। अभी प्रियंका, ऐश्वर्या, ईवा और मम्मी चारों आएंगे, पूजा होगी और फिर हम निकलेंगे पनवेल के लिए, बट वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ हिमालयन 450 के लिए बहुत सारे एसेसरीज अवेलेबल है आफ्टर मार्केट। सो व्हाट ऑल द एसेसरीज आर रिक्वायर्ड, एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी एक्सेसरीज इसमें लगानी चाहिए, किससे लुक एनहांस होता है, किससे सेफ्टी एनहांस होती है, जो भी आप इनपुट्स इस पे दे सको। एंड विद दैट, पूजा करने के बाद इस वीडियो को डायरेक्टली यहीं पे एंड कर देंगे, बिकॉज तुरंत मैं निकलने वाला हूँ। सो आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने हैं, और पनवेल पहुँचूंगा ना तो पनवेल में एसेसरीज के बारे में कुछ डिसीजन लेने ही जा रहा हूँ, तो वो आपको पूरा डिटेल मिलेगा अगले वीडियो में। कमेंट करना चालू कर दो और पूजा देख के जाना। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।